किस क्रिकेट टीम ने आईपीएल 2023 का खिताब जीता? तो यह चेन्नई सुपर किंग ने। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो फिनलैंड। कौन पाकिस्तान में भारत की पहली आईएफएस अधिकारी बनी है? तो यह बनी है गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता है जर्मनी ने। कौन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना? भारत। कौन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का नौवां अस्थाई सदस्य देश बना? तो ईरान बना है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वह जीता है ईगा स्वीटेक ने। किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो वह जीता भारत ने। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो यह जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयर पर्सन बनाई गई हैं? तो यह बनाई गई हैं जया वर्मा सिन्हा। भारत का पहला सौर मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है, तो इसका नाम है आदित्य L1। महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो यह अहमदनगर का नाम बदलकर। कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो आदित्य सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए विशेष निदेशक बने हैं? तो यह बने हैं अजय भटनागर। कौन व्यक्ति भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के नए CEO बने हैं? तो यह बने हैं अमित अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह अमरेंद्र प्रकाश। 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो यह मिला अल्लू अर्जुन को। केंद्र सरकार ने किरण रिजिजू के स्थान पर किसे भारत का नया कानून मंत्री बनाया? तो यह अर्जुन राम मेघवाल को। कौन फैशन ब्रांड गुक्की के पहली इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो यह बनी है आलिया भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हैं अजय बंगा। किसे वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला? तो यह मिला आशा भोसले को। किसे वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किस देश से संबंधित खिलाड़ी एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के। किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जीता? तो आर्याना सावलेंका ने। कौन अमेरिकी राज्य मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली प्रथम भारतीय अमेरिकी बनी? तो यहाँ बनी है अरुणा मिलर। कौन भारतीय मूल के व्यक्ति नासा के तकनीकी प्रमुख बने? तो AC चरणिया। कौन व्यक्ति इंडियन ओवरसीज बैंक के नए MD और CEO बने हैं? तो यह बने हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। कौन न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी जज बने हैं? तो यह बने हैं अरुण सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो यह बेंगलुरु में खोला जाएगा। कौन व्यक्ति नीति आयोग के नए CEO बने हैं? तो यह बने हैं BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो यह की गई है चेन्नई में।
के सत्यनारायण राजू किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं? तो यह बने हैं केनरा बैंक के। पेट्रा पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह बने हैं चेक गणराज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो यह बनी है कैसीवा चौहान। किस टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। कौन व्यक्ति भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल DCGI बने हैं? तो यह बने हैं डॉक्टर राजीव रघुवंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बना? तो यह बना चौथा देश। किस पुरुष खिलाड़ी ने अप्रैल 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता? तो यह जीता है फखर जमान ने, पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को 2023 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह एशले गार्डन ऑस्ट्रेलिया की। कौन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति SBI कार्ड के नए MD और CEO बने हैं? तो यह है अभिजीत चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन, किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ मिला? तो यह एशले गार्डन को। किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्ति सुलोचना लटकर का 94 वर्ष की आयु में निधन हुआ, यह क्या थी? तो यह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। कौन व्यक्ति सोमा शंकर प्रसाद के स्थान पर UCO बैंक के प्रबंध निदेशक बने? तो यह बने हैं अश्विनी कुमार। कौन व्यक्ति सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो यह बने हैं अजय यादव। किस भारतीय सेना के नए मास्टर जनरल सस्टेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है अमरदीप सिंह औजला को। कौन व्यक्ति तेल और गैस के नियामक संस्था PNGRB के नए चेयरमैन बने हैं? तो यह AK जैन। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति IT उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था नासकॉम के वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष बने? तो अनंत महेश्वरी। कौन व्यक्ति राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं? तो यह बने हैं अरुण सिन्हा। प्रसिद्ध व्यक्ति उत्तरा बावकर का 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह थी अभिनेत्री। किस देश से संबंधित खिलाड़ी टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की है। किसने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? तो यह जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। बाफ्टा अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो यह ऑस्टिन बटलर को। कौन भारतीय मूल की प्रथम महिला हार्वर्ड ला रिव्यू की नई अध्यक्ष बनी है? तो यह अप्सरा अय्यर। अगला क्वेश्चन, कौन व्यक्ति संदीप सिंह के स्थान पर भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने? तो अमरप्रीत सिंह। किस भाषा के मशहूर कवि नीलमणि फुकन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो यह असमी के। किस देश से संबंधित सुंदरी आरबोनी ग्रेवियल ने मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता जीती है? तो यह जीता है अमेरिका के। अगला क्वेश्चन है, किस
महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, तो एस्ले गार्डनर को किस महिला क्रिकेटर को फरवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला, तो यह भी एस्ले गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता, तो यह एलेक्सिया पुटेलस। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो यह आयुष्मान खुराना को। अगला क्वेश्चन है, कौन एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है, तो यह बनी भवानी देवी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है, तो भीमराव अंबेडकर की। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, तो ब्रेंडन फ्रेजर को। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू भारत के किस पड़ोसी देश के नए राष्ट्रपति बने, तो बांग्लादेश के। आईसीसी अवार्ड 2022 में किसे वर्ष 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार मिला, तो यह मिला बाबर आजम को। किस पुरुष क्रिकेटर ने जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता, तो क्रिस वोक्स इंग्लैंड के। हुनर मैनेट को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो यह कंबोडिया के। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने का घोषणा किया, तो यह आज क्रिकेट से। किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो कार्लोस अलकराज ने। किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा, तो क्रिकेट से। कौन विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महिला महासचिव बनी, तो यह सेलेस्टे साउलो। निकोस क्रिस्टोडेलाइड किस यूरोपीय देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो साइप्रस। किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, तो क्रिकेट से संबंधित। किस खेल से संबंधित न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी ब्रूस मरे का 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, तो क्रिकेट। कौन यूरोजोन में शामिल होने वाला अब तक का 20वां देश बना, तो क्रोएशिया। कौन 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वर्ष 2023 के लिए रैमन मैग्सेसे अवार्ड 4 संयुक्त विजेताओं में कौन भारतीय व्यक्ति शामिल है, तो डॉक्टर रवि कन्न आर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस पर। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 16 जुलाई को विश्व भर में एक दिवस मनाया जाता है, तो डेंगू। कौन चीन के प्रथम विश्व शतरंज चैंपियन खिलाड़ी बने, तो यह बने डिंग लीरेन। कौन वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी, तो दीपिका मिश्रा। कौन मार्कोस त्रोएजो के स्थान पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख बनी है, तो यह बनी है डिल्मा रूसेफ। किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान मिला है, तो यह डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। किसे पृथ्वीकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता है, तो यह जीता है डेविड चीपर फील्ड ने। कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है, तो यह बनी है दीप्ति शर्मा।
कौन व्यक्ति परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दिनेश कुमार शुक्ला। कौन UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो यह डेनिस फ्रांसिस। किस भाषा के मशहूर कवि जयंत महापात्रा का 95 ईयर की उम्र में निधन हुआ? तो अंग्रेजी। किस देश से संबंधित क्रिकेटर स्टीवन फिंच ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो इंग्लैंड। किस जीव के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 12 अगस्त को प्रतिवर्ष दुनिया भर में एक दिवस मनाया जाता है? हाथी। किस देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो इंग्लैंड। कौन व्यक्ति भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने? तो एरिक गार्सेटी। कितनी हस्तियों को वर्ष 2023 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? तो 4। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो यह फ्रांस ने, गार्ड ऑफ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजियन ऑफ ऑनर से। प्रसिद्ध व्यक्ति सलीम दुरानी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? वह थे पूर्व क्रिकेटर। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष गैस और डीजल की कारों को की बिक्री को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो 2035 से। किस खेल से संबंधित महान भारतीय खिलाड़ी तुलसीदास बलराम का 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो फुटबॉल से। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वारेन ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो यह लिया है फुटबॉल से।